दोस्तों, क्या आपकी आंखें भी बहुत ज्यादा थकी हुई रहती हैं? आंखों में से पानी आने की समस्या है या फिर आपकी आंखों की रोशनी दिन बर दिन कमजोर होती जा रही है, आपके चश्मे का नंबर तक बढ़ता जा रहा है, आपकी आंखें अंदर से ड्राई होना स्टार्ट हो गई हैं। अगर आपको आंखों से रिलेटेड कोई भी समस्या है तो बस आज की मेरी इस वीडियो को ध्यान से सुनने के बाद फॉलो जरूर करिएगा। मैं आपको इसमें आज कुछ ऐसे योग आसन और कुछ एक ऐसी रेमेडी बताऊंगी जिससे विद इन अ मंथ आपको अपनी आंखों के अंदर बहुत ज्यादा चेंजेस दिखने शुरू हो जाएंगे। ये आपकी आंखों की रोशनी को बढ़ाएगा, उसकी ड्राइनेस को खत्म करेगा, साथ में आपको फ्यूचर में कभी भी मोतियाबिंद या आंखों से रिलेटेड कोई भी समस्या फेस नहीं करनी पड़ेगी। तो देरी किस बात की, अगर आपका बच्चा 5 साल का भी है तो उसको भी ये योग आसन करवाएं ताकि बचपन से ही उसकी आंखों की रोशनी तेज रहे, या फिर अगर आपकी उम्र 60 या 70 साल की भी है तो भी आप इसको फॉलो कर सकते हैं। मतलब योग एक ऐसी चीज है जो हर उम्र का इंसान और हर व्यक्ति इसको फॉलो करके अपने आप को तंदुरुस्त रख सकता है। हम में से बहुत सारे लोग पूरा दिन अपनी बॉडी को शेप में लाने के लिए, ठीक है ना, अपने फेस को सुंदर दिखाने के लिए बहुत कुछ लगाते हैं और बहुत कुछ करते रहते हैं, लेकिन आंखें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ना हमारे बॉडी का, उस पर हम स्ट्रेस तो देते हैं, लोड सबसे ज़्यादा देते हैं, लेकिन उसकी केयर करना भूल जाते हैं। तो सबसे पहले आपको कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स देना चाहूंगी जो आपको रेगुलर फॉलो करनी है ताकि जब भी आप कोई योगासन करें वो आप पे लंबे समय तक असर कर पाए। इसके लिए हम में से बहुत सारे लोग कंप्यूटर और फोन का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं, तो आपने क्या करना है, फोन का इस्तेमाल और कंप्यूटर का इस्तेमाल कुछ लिमिट पीरियड के लिए करना है। ज्यादा टाइम के लिए आप यूज करेंगे तो इससे आपकी आईज डैमेज हो जाती है, आंखों में ड्राइनेस आने लगती है और बहुत सारे इश्यूज आने लगते हैं, ठीक है, और आपको चश्मा चढ़ता ही चढ़ता है। तो इसके लिए अगर आप फोन स्क्रीन यूज कर रहे हैं तो उसके बाद अगर आपको आधा घंटा हो चुका है यूज करते हुए या कंप्यूटर यूज करते हुए आधा घंटा हो चुका है तो आप अपनी आईज को रेस्ट दें। रेस्ट कैसे देंगे तो चलिए फॉलो करिए मुझे। इसके लिए आप जैसे कंप्यूटर स्क्रीन यूज कर रहे हैं हाफ एन आवर हो चुका है, इससे ज्यादा टाइम मत दीजिए, बस अपनी आईज को हल्के से बंद करिए और ओपन करिए, बंद करिए, ओपन करिए। ऐसे आपको 3 से 4 बार कम से कम क्लोज और ओपन करना है अपनी आईज को, ठीक है, खोलना है और बंद करना है। उसके बाद आपको अपनी आईज को थोड़ा ज्यादा अच्छे से क्लोज करना है, बिल्कुल इस तरीके से, इसे मीचना कहते हैं, आंखों को बिल्कुल अच्छे से मीच लेना है स्ट्रेच देके और फिर ओपन करना है। इससे आपकी आंखें जो ड्राई हो जाती हैं वो नहीं होंगी, आपकी बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, आपकी आंखों की रोशनी तेज होगी, आपकी आंखों को थकान नहीं होगी, ठीक है। इसके साथ दूसरी इंपॉर्टेंट टिप जो आपको फॉलो करनी है वो करना है, आपने जब भी आप काम कर रहे हैं, कोई भी स्क्रीन यूज़ कर रहे हैं, कोई भी गैजेट यूज़ कर रहे हैं, तो आपने बीच में पानी पीते रहना है। जब हम पानी पीते हैं तो हमारी आंखें जो है सूखती नहीं है, उसमें ड्राइनेस नहीं होती, तो आपकी आंखों की रोशनी ऑटोमेटिकली तेज हो जाती है, आपको खुजली नहीं होगी, आपको इरिटेशन नहीं होगी आंखों में, ठीक है ना, और फ्यूचर में आपको आंखों से रिलेटेड कोई भी समस्या नहीं होगी। अब बात करते हैं तीसरी चीज़ की जो आपको फॉलो करना है, जब भी आप धूप में जा रहे हैं तो आपको ऑलवेज आपको सनग्लासेस वेयर करने हैं, क्योंकि जब धूप की किरण हमारे डायरेक्टली आंखों में जाती है तो उससे हमारी आंखें की रोशनी कम होने लगती है, ड्राइनेस होने लगती है, आंखों में से पानी आने लगता है, जलन होने लगती है। तो अगर आप चाहते हैं आपकी आंखें हेल्दी रहें तो उसके लिए आपको ज़रूर गॉगल्स का इस्तेमाल करना है। तो अब स्टार्ट करते हैं कुछ ऐसे योग आसन जो आपकी आंखों की रोशनी को बढ़ाएंगे, जिसके लिए सबसे पहले आपको इस्तेमाल करना है एक पेन का। पेन पे दूर से फोकस करना है और बिल्कुल अपनी आंखों के यहाँ तक उसको लेकर आना है, ठीक है, आपकी आंखों में पेन होगा, आंखों में से पानी आएगा, लेकिन यही इसकी प्रॉपर एक्सरसाइज का प्रोसेस होता है, ऐसे आपको कम से कम 10 टाइम्स करना है। पूरे दिन में आप जब भी फ्री होते हैं आप इसको प्रोसेस को फॉलो करते रहिए पूरे दिन में, जब भी, ऐसा नहीं कि आप मॉर्निंग में करें, इवनिंग में करें, जब भी आप फ्री हैं, ऑफिस से फ्री हुए हैं, थोड़ी देर पढ़कर फ्री हुए हैं, तो अपने आईज को जरूर इस तरीके से एक्सरसाइज को करना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारी है, हमें आईज को रोटेट करना है, ठीक है ना, आई बॉल को हमें लेफ्ट राइट और अप डाउन देखना है। ऐसा कम से कम आपको 15 से 20 बार करना है ताकि
आपकी जो आईज़ है वो रिलैक्स होती हैं और आपकी आई सेट जो है रोशनी है आँखों की वो बढ़नी शुरू हो जाती है। अब बढ़ते हैं अपनी थर्ड एक्सरसाइज की तरफ, जिसके लिए आपको अपनी आईज़ को अप एंड डाउन में देखना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए आपने क्या करना है, सुबह उठते ही जब आप सुबह उठते हैं बेड पर बैठे बैठे आपने अपनी हथेलियों को इस तरीके से वार्म करना है और इसकी जो गर्माइश है वो आपको अपनी आईज़ पे कुछ सेकंड्स के लिए रखनी है, 10 सेकंड्स के लिए, देन रिलैक्स करना है। ऐसा आपको 3 से 4 बार रब करके अपनी आईज़ पे रखना है तो आप नोटिस करेंगे कि आपकी आईज़ की जो रोशनी है इससे बहुत ज़्यादा ब्राइट हो जाएगी, तेज़ हो जाएगी, आपकी आँखों की सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएंगी। तो आप भी मुझे फॉलो करिए। रिलैक्स और धीरे धीरे आपने अपनी आईज़ को ओपन करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्रिया हमारी क्या है, यानी नेक्स्ट एक्सरसाइज क्या है, हमें अपने थंब को लेना है, थंब को पहले ऐसे दूर रखना है तो बिल्कुल पास लेकर आना है और कंसंट्रेशन हमें अपनी आईज़ का दोनों यहीं रखना है, अपने थंब पे रखना है, इधर उधर हमारी आईज़ नहीं जानी चाहिए उसके आसपास एरिया में, बिल्कुल पास लेकर जाइए, आपको ब्लर सा दिखेगा, धुंधला दिखेगा थोड़ा जब अपनी आंखों के पास आप लेकर जाएंगे अपने थंब को। उसके बाद आपको इसको बिल्कुल साइड लेके जाना है और आपको बिल्कुल स्ट्रेच देना है कि या बिल्कुल साइड पे आपको देखना है। हम क्या करते हैं अपनी आईज़ को साइड पे तो देखते हैं, बिल्कुल स्ट्रेच नहीं करते, जब स्ट्रेच करते हैं तो हमारी आँखों की पावर बढ़ती है इससे। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम फॉलो करने वाले हैं जिसके लिए हमें अपने थंब को इस तरीके से दूर रखना है, बिल्कुल पास लेकर आना है, आपको धुंधला दिखाई देगा, आपके आईज ब्लर हो जाएंगी, फिर डिस्टेंस पे लेके जाना है, फिर पास लेकर आना है, ऐसे हमें थंब को ऊपर लेके जाना है और बिल्कुल अपना स्ट्रेच करते हुए, गर्दन डाउन करते हुए अपनी आईज को ऊपर स्ट्रेच करके देखना है, जितना हो सके ऊपर की तरफ देखिए, आंखों में से पानी भी आएगा, पेन भी थोड़ा सा होगा आपको, लेकिन वही आपकी आंखों की रोशनी को बढ़ाएगा। फिर नीचे लेकर आइए, फिर साइड पे लेके जाइए, इसको कम से कम आपने 15 से 20 बार फॉलो जरूर करना है, ठीक है। अब इन एक्सरसाइजेस के साथ आपको कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स देना चाहूंगी जो आपने डेली फॉलो करनी है। सबसे पहले सुबह उठते ही अपने मुंह की जो बासी थूक होती है यानी लार जो होती है उसको काजल की तरह आपने अपनी आंखों में पिरोना है, क्योंकि जो हमारी लार होती है उसमें ऐसा एसिड होता है जो आपकी आंखों की रोशनी को बढ़ाता है। अगर आपकी आंखें ड्राई हो रही हैं तो उसके बैलेंस यानी पीएच लेवल को मेंटेन करता है, आपकी आंखों की जो खुजली हो रही है उनको ख़त्म करता है, मतलब आंखों से जुड़ी कोई भी समस्या है उसको ये बिल्कुल ठीक करता है। और ट्रस्ट मी, आपको सुनने में थोड़ा सा गंदा फील हो रहा है बट आपकी आंखों से चश्मा तक उतर जाएगा अगर आप इन सारी चीज़ों को फॉलो करेंगे। तो आपने थोड़ी सी थूक लेनी है, बासी थूक सुबह उठते ही, आपने कुल्ला नहीं करना, पानी नहीं पीना, बासी थूक सबसे पहले आपने बेड पे बैठे बैठे इस तरीके से आप अंदर की तरफ दोनों आईज़ में काजल की तरह पिरो लीजिए, ठीक है, ये आपकी आंखों की रोशनी को बहुत तेज़ करेगा। अब बारी आती है सेकंड स्टेप की, इसके बाद आपको क्या करना है, आपने मुंह में पूरा पानी भर लेना है और अपनी आंखों पर छींटे मारने हैं ठंडे पानी के। जब हम अपने मुंह में पानी भर लेते हैं तो हमारी आंखें बहुत खुल जाती हैं प्रॉपर, और जब हम छींटे मारते हैं तो उससे आपकी आंखों की सारी गंदगी निकलती है और उसकी रोशनी जो है आंखों की वो तेज़ हो जाती है। टिप नंबर 3 क्या है, टिप नंबर 3 एक है रेमेडी जो बहुत ही इफेक्टिव है, आप अपने बच्चों को भी बचपन से खिलाना स्टार्ट करें ये रेमेडी जो मैं आपको बताने वाली हूँ, तो उनकी आंखों पर कभी भी चश्मा नहीं चढ़ेगा, अगर चढ़ा हुआ है तो वो भी 101% उतर जाएगा, ठीक है। जिसके लिए आपको क्या करना है, जब वो सुबह उठते हैं खाली पेट आप एक पाउडर बनाना है, आपने लेने हैं 100 ग्राम बादाम, आपको साथ में लेने हैं 100 ग्राम सौंफ और 50 ग्राम लेनी है आपने धागे वाली मिश्री। इसको मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड करके कांच की शीशे में आपने पाउडर बना के स्टोर कर देना है, और इसका एक चम्मच रोज़ाना सुबह आपने अपने बच्चे को या खुद भी जो भी अपनी आंखों की रोशनी को बढ़ाना चाहता है, चश्मा नहीं भी लगा फिर भी अपनी आंखों को अगर रोशनी को तेज़ करना चाहते हैं तो आपको एक चम्मच गर्म दूध के साथ उसको रोज़ाना इनटेक करना है। ये आपके इतने इफेक्टिव तरीके से आंखों की रोशनी को बढ़ाएगा, हर प्रॉब्लम को जड़ से ख़त्म कर देगा।
और जो भी एक्सरसाइज फॉलो करने के लिए मैंने कहा है कि जो कंप्यूटर पे आप बहुत देर बैठे हैं तो अपनी आईज को ओपन ब्लिंक करें, ठीक है, और इस तरीके से भी आप ब्लिंक करें कुछ देर के लिए, जब भी आपको रेस्ट मिलता है खोले बंद करें फास्ट ब्लिंक करते रहें अपनी आईज को। ऐसे जितनी बार ब्लिंक करेंगे तो कंप्यूटर पे जब आप बैठे हैं तो इन एक्सरसाइजेस को जरूर फॉलो करें, रेस्ट दें, थोड़ा सा पानी पिए, और अगर आपको चश्मा लगा हुआ है तो चश्मा उतार के ये सारी एक्सरसाइजेस आप फॉलो करिए, ठीक है। तो ऐसी कुछ बेहतरीन देखने के लिए मेरे साथ जुड़े रहें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।